नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं प्रेम आपका स्वागत करता हूँ खेती वेती यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ धान में लगने वाले ब्लास्ट रोग के बारे में, जिसे झुलसा रोग या झोंका रोग भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं। झुलसा रोग धान का बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो कि फंगस मैग्नीपोर्टा ग्रेशिया के कारण होता है। यह रोग का लक्षण धान के सभी ग्रोथ स्टेज में दिखाई दे सकता है, चाहे वो जर्मिनेशन स्टेज हो, सीडलिंग हो, वेजिटेटिव हो या फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज हो। यह सभी स्टेज में पौधों पे लग सकता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि समय समय पे खेत की जांच करते रहें। धान का झुलसा रोग पौधों के सभी भागों को इफेक्ट करता है, तो आइए जानते हैं वो कौन सा भाग है और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। पहला है लीफ ब्लास्ट। यह धान के पत्तों पे किनारों से भूरा तथा अंदर सफ़ेद आँख के आकार का बना होता है, जिससे पूरा पत्ती पीला पड़ के सूखने लगता है। आप फोटो में देख पा रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया है। दूसरा है नोड ब्लास्ट। यह धान के पौधों के जहां गांठ बने होते हैं उस भाग पे काले और भूरे रंग के दाग दिखाई पड़ते हैं, और वो धीरे 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 गांठ सूखने लगता है और वो दाग जो है गहरा बनता जाता है। तीसरा है नेक और कॉलर ब्लास्ट। यह धान के पौधों के जहां से बालियां निकलती हैं उस भाग को इफेक्ट करता है। उस जगह के पत्ती और बालियों के निचला जो भाग होता है वह रेड भूरा लिए कलर दिखाई पड़ेगा, जिससे वहां पे जो है पत्तियां जो है इफेक्ट और बाली पे भी इफेक्ट होता है, और पत्ती और बाली दोनों को पूरा नुकसान होता है, जिसमें बालियों में अगर दाने भर जाते हैं तो वह जो है वजन से टूट के गिर जाता है। अगर दाना बनने से पहले अगर वहाँ पे लक्षण दिखाई दिए या फिर रोग लग गया तो दाने नहीं बन पाते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस रोग का प्रकोप धान के खेत में ना हो उसके लिए हम पहले से बचने के क्या उपाय कर सकते हैं। पहला है सर्टिफाइड और हेल्दी बीज का प्रयोग करें। दूसरा, बिजाई लेट से ना करें, अगर ऐसा करते हैं तो कम अवधि वाले वैरायटी का प्रयोग करें। तीसरा है ज़्यादा यूरिया का प्रयोग ना करें। पौधों के अच्छे विकास के लिए उचित जल भराव का स्तर बनाए रखें। अगर मिट्टी में सिलिकॉन की कमी है तो सिलिकॉन का प्रयोग करें तथा फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र का मतलब है खेत में फसल को बदल बदल के लगाना। तो आइए अब हम जानते हैं अगर धान में ब्लास्ट डिजीज यानी झुलसा रोग लग गया है तो उसमें कौन सा केमिकल का प्रयोग करें जिससे उस रोग से निदान पाया जा सके। पहला है ट्राइकोलाजोल 75.0% WP। दूसरा है डेफनोकोनाजोल 11.4 SC प्लस एजोस्ट्रोबिन 18.2 SC। तीसरा है मैंकोजेब 63.0 WP प्लस कार्बेंडाजीम 12.0 WP। चौथा है कीटाजीन 48.0 EC। तो ये जो मैंने आपको चार कंपोजिशन बताए हैं, इस कंपोजिशन का आप दवा दुकान से आप लीजिए और इसका छिड़काव कीजिए, और दुकान से दवा लेते समय आप उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें, तथा जो मैंने कंपोजिशन आपको बताया है उस कंपोजिशन को
आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही दवा को लें। तो किसान भाइयों, यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।